and he was quite upset with that. But again, you know, he'll be quite happy now how he finished off the game. Dinesh Karthik ne Bangladesh ke khilaf Nidhas Trophy ke final match mein jo kiya, ab wo itihas ban chuka hai. Karthik ne saalon tak yaad rakhi jane wali pari kheli aur Team India ko jeet dilayi. मगर इस पारी से ठीक पहले दिनेश कार्तिक कप्तान रोहित शर्मा से बेहद खफा हो गए और इसका खुलासा खुद कप्तान रोहित शर्मा ने किया है. You know, when I got out, I went in, I sat in the dugout and I told him, I thought he was quite upset. कप्तान रोहित ने खुलासा किया कि कार्तिक दुखी थे क्योंकि उन्हें इंतजार करना पड़ा और विजय शंकर को उनसे ऊपर भेजा गया. विजय शंकर ने पूरी सीरीज में बल्लेबाजी नहीं की थी. विजय शंकर जब ऊपर भेजे गए तो कार्तिक को बुरा लगा. इसी वजह से कार्तिक नाराज हो गए और बैटिंग में और भी नीचे खेलने की बात कहने लगे. हालांकि इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा को डगआउट में बैठकर कार्तिक को समझाना पड़ा. रोहित शर्मा ने बताया, जब मैं आउट हुआ तो मैं डगआउट में जाकर बैठ गया. इस दौरान कार्तिक बेहद अपसेट थे क्योंकि उन्हें नंबर 6 पर बल्लेबाजी के लिए नहीं भेजा गया. हालांकि मैंने उनसे कहा, मैं चाहता हूं कि आप हमारे लिए आखिरी तक बल्लेबाजी करें और मैच को फिनिश करें. इसकी वजह यह है कि जो कौशल आपके पास है उसकी हमें आखिरी 3 या 4 ओवर में जरूरत होगी. कप्तान की बात सुनकर दिनेश कार्तिक भी मान गए और बल्लेबाजी के लिए चले गए. You know, when I got out, I went in, I sat in the dugout and I told him, I thought he was quite upset that he didn't bat at 6. He was upset, but I told him, I want you to bat and finish off game for us because your whatever skill you have, you know, it will be required in the last 3-4 overs because you have that experience and you have played so many games so you can do that for us. So that बहरहाल कप्तान का ये फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ. दिनेश कार्तिक ने जाकर पूरा मैच ही बदल दिया और आखिरी बॉल पर छक्का जड़कर बांग्लादेश को जीत से दूर कर दिया. उनकी 8 गेंद पर 29 रनों की पारी ने पासा पलट दिया और भारत एक बार फिर निधास ट्रॉफी का विजेता बन गया. फ्लेम मीडिया रिपोर्ट.